हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर क्यों आखिर सुबह सुबह ये कहा फुकरा ने कि मनीषा को खुश करने के लिए उसको चाहिए एल्विश से उसका एक बहुत बड़ा कीमती सामान। क्या है वो सामान और क्यों करना चाहता है अब फुकरा मनीषा को खुश, मनीषा की एक ख्वाहिश को पूरी शो खत्म होने के बाद? चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। वेल, हम आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर सुबह हो चुकी है और घर वाले जाग चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो एल्विश है उसके साथ सुबह सुबह किचन एरिया में अभिषेक और मनीषा थे, और यहाँ पर अभिषेक से मनीषा थोड़ी सी नाराज़ है क्योंकि दोनों में सुबह सुबह थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ था, और इसी वजह से अभिषेक मनीषा के लिए ये कहते हुए नज़र आते हैं कि एल्विश, मेरा जब नए घर में मैं शिफ्ट होऊंगा ना गुड़गांव में, तो मैं तेरी येलो वाली गाड़ी ज़रूर लेने आऊँगा। भाई, मनीषा को येलो गाड़ी ही पसंद है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बार उसको चला कर तो देखूँ कि येलो गाड़ी चलाने का ऐसा फील क्या होता है। ये बोलकर मनीषा की तरफ देखने लगा फुकरा और कहने लगा, क्यों मनीषा, तेरे को भी येलो गाड़ी पसंद है ना? मनीषा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन फुकरा यहीं नहीं रुका, फुकरा ने उसके बाद मनीषा से कहा कि पता है मनीषा, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी जिसको मैंने सिर्फ एक दिन चलाया है। एक दिन भी क्या, उसे मैं कंपनी से घर तक लाया था बस चलाकर, उसके बाद मैं उसे हाथ भी नहीं लगा पाया। मैं घर जाकर उसे खूब चलाने वाला हूँ, अच्छे से चलाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद मनीषा कुछ नहीं बोली, और ऐसे में फुकरा समझ गया कि अभी मनीषा थोड़ी ज़्यादा नाराज़ है और उसको मनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। वेल, दोस्तों, आपका क्या है कहना, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।